अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। और आज हम जो है वो बना रहे हैं देसी कॉर्न। ये हम भून के इसको खाएंगे ऐसे। तो मैं भून रही हूँ, मैंने इसमें बस जो है वो कॉर्न के बस दाने निकाल के इसमें थोड़े सा नमक डाला है बस। उसको मैं तवे पे जो है वो भून रही हूँ। जो है वो तवा ज़्यादा गर्म नहीं था, इससे क्या ना हल्का सा ऐसे में घी भी हल्का हल्का सा छिड़क रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, बस वैसे हल्का हल्का सा। इससे ये होगा कि ये थोड़े थोड़े से क्रंची क्रंचीज बनेंगे। और इस काली मिर्च भी देखें भुने रहे हैं हमारे कॉर्न। और सिस्टर बताओ क्या हो रहा है। वेलकम एवरीवन। तो आज का वीलॉग हमने स्टार्ट कर दिया है और काफ़ी दिनों के बाद हम वीलॉग बना रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे कि अभी आपको दिखाया कि सिस्टर जो है वो कॉर्न भून रही है, तो काफ़ी दिनों के बाद। लेकिन ये सब चीज़ें जो होती हैं सर्दियों में खाते हुए ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलें अब सिस्टर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। बस आज जो है वो मैं थोड़े वैसे हमारे मेरा जो भाई है उसकी शॉप पे जो एक लड़का काम करता है वो उस लेके आया है कॉर्न, देसी कॉर्न अपने ना गाँव से। तो हमने कहा चलो आज ये बनाते हैं चाय के साथ थोड़ा स्नैक्स के तौर पे। और आप बताएं क्या हो रहा है। हम लोग डेली व्लॉग नहीं बना रहे हैं क्योंकि जो है हमारे ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ना हमारी वीडियो को कोई लाइक कर रहा है, तो बस सब हम लोग थोड़े से दिल बर्दाश्त हो गए है ना सिस्टर। हाँ, इस वजह से यार आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो ना। करो भाई हमारे चैनल को, ये क्या बात हुई। हम कोई इतने बुरे तो नहीं है, हमारी शक्लें इतनी बुरी हैं कि हमें सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे आप लोग। और मेरी प्यारी सी छोटी सी प्रिंसेस भी है इधर उधर फिर रही है। अब देखें ये प्रिंसेस दिखाओ। 2000 years later रियो ये भी यहाँ देखो, यहाँ देखो क्या कर रही हो। साहिबा तो लगी हुई अपने मज़ों में और इतने दिनों से हम वीलॉग नहीं बना पा रहे थे क्योंकि एक तो हमारी अपनी मसरूफियात होती हैं और दूसरा ये कि व्यूज़ ही नहीं आ रहे थे। जब व्यूज़ ही नहीं आ रहे थे तो फिर हमने कहा कि क्या वीडियो बनाएं। बट फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि चलो बना लेते हैं कुछ वीडियो, हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता आ जाए व्यूज़। सो या हमने फिर आज बनाई है। और जैसे कि अभी मैंने आपको बता रहे थे कि हम कॉर्न बना रहे थे और बाहर तो हम जा नहीं पा रहे क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश होने लग रही है और मौसम थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, तो इस वजह से चलिए आपको मौसम दिखाते हैं। कॉर्न रेडी हो गए हैं, अब मैं इसको टेस्ट। वाह कितने अच्छे बने ना। ओके हम आपसे मिलते हैं थोड़ी ब्रेक। हाँ जी, तो अभी मैं छत पर आ गई हूँ और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ब्यूटीफुल व्यू है। और ये देखें, मुझे समझ नहीं आता कि रात के टाइम ये क्लाउड्स इतने ज़्यादा क्यों हो जाते हैं और ये क्यों आसमान पर ऐसे उठते हैं। किसी को पता हो तो बताएं प्लीज़। खैर तो आप देखें व्यू, और अभी बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही हैं और काफ़ी अच्छा व्यू हो रहा है। हमने सोचा था कि कुछ दिनों के लिए हम बाहर जाएंगे बट नहीं जा पा रहे थे, तो अभी रात का वक्त था इसलिए आपको वीडियो थोड़ी सी ब्लैक नज़र आ रही होगी। तो मैं अभी छत पे आई हुई हूँ, अभी आप लोगों को मैंने व्यू भी दिखाया है और काफ़ी मज़े का मौसम चल रहा है, हवाएँ चल रही हैं और यह मौसम ना बहुत ब्यूटीफुल लगता है सच में। तो अभी जो है ना बहुत ही प्यारा सा मौसम है और दिल कर रहा है कि यहीं पे रह जाऊं, बट अभी
मैंने जो है नीचे जाना है, चाय बनानी है। चाय पीकर फिर उसके बाद अबू को और घर वालों को जो है वो जो कॉर्न बनाई है हमने वो टेस्ट करवा कर, देन उसके बाद फिर आफ्टर ब्रेक में मिलती हूँ आपसे। ओके सो वेट करें थोड़ा सा, अल्लाह हाफिज़।